जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका नॉलेज 11th और 12th की बेसिक साइंस का जो नॉलेज है। एक सब्जेक्ट पे मास्टरी चाहिए होती है आपको, मेहनत, लगन और समय, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत लगती है। तो ये लगभग 9-10 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप एक नॉर्मल इंसान से डॉक्टर बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्यांशु शर्मा, स्वागत है आपका जोश कोश में, आपके करियर का मंत्र। दोस्तों आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, जो कि है कि एक डॉक्टर कैसे बनते हैं, और इसके रिलेटेड हम आए हैं एक एक्सपर्ट से मिलने, डॉक्टर पराग, जो कि हमें डॉक्टर बनने से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में बताएंगे। नमस्कार पराग। नमस्कार पराग जी, आप तो जानते ही हैं इंडिया में डॉक्टर का प्रोफेशन कितना माने जाने वाला प्रोफेशन है, तो इससे रिलेटेड मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर बनने के लिए जो एक किसी कैंडिडेट को बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो क्या होती है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर की फील्ड में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? डॉक्टर बनने के लिए बेसिकली 10th और 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 11th 12th पढ़ा हुआ होना चाहिए, और एक मार्क्स के बाद 17 से 25 साल या कुछ कुछ कैटेगरीज में 30 साल तक आप मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ले सकते हैं इस उम्र के लिए। उसके अलावा इसमें चार फील्ड होती है बेसिकली, MBBS, BDS, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक कोर्सेज, BAMS एंड BHMS। मेरी फील्ड MBBS। MBBS के कोर्स के किसी भी कॉलेज में घुसने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स क्या क्या होते हैं? आज के सिनेरियो में जो मेन एग्जाम है MBBS में एडमिशन के लिए वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उसमें क्वालिफाई करना होता है 12th के बाद। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप रैंकिंग के बेसिस पे या मेरिट के बेसिस पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड उसको क्वालिफाई करने का जो मेन सिलेबस होता है वो 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का थॉरो नॉलेज होना चाहिए उसको, उसके थ्रू आप। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, वैसे तो एम्स का एक सेपरेट पेपर होता है और एक जिपमर होता है, लेकिन बेसिक सबसे ज़्यादा यूज किया गया वाला एंट्रेंस एग्जाम है नीट का। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी अपने अलग अलग पेपर लाते हैं, लेकिन अगर आप नीट देते हैं तो आपकी चांसेस ज़्यादा होती हैं, और नीट का सिलेबस बेसिक होता है 11th 12th की साइंस का। सर इसी के क्वेश्चन, इसी को बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करें? MBBS एंट्रेंस की जो तैयारी होती है वो बेसिकली आपको एक सब्जेक्ट पे मास्टरी चाहिए होती है। कुछ लोग वो सिर्फ अपनी बेसिक बुक्स के थ्रू करते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ के 11th 12th की, जैसे NCERT की, CBSE कोर्स की बुक्स होती है, उन्हीं को लगातार रिपीटेड पढ़ के उनको अच्छे से थॉरो नॉलेज लेके। कुछ लोग उसके साथ कुछ गाइड बुक्स पढ़ते हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, कुछ लोग उसके साथ साथ कोचिंग करते हैं, जैसे वेरियस कोचिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका नॉलेज 11th और 12th की बेसिक साइंस का जो नॉलेज है, वो जितना ज़्यादा थोड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छी रैंक आने के और उतना बेटर कॉलेज में लेके जाने के चांसेस। सर मेरा अगला सवाल ये है, हमारे देश के मेडिकल कॉलेज MBBS में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं? हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस लगभग 550 मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें से टॉप पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली है, उसके अलावा AFMC पुणे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, CMC वेल्लोर या मणिपाल में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। हर एक सिटी में, ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटी में एक अच्छा कॉलेज है, तो आप जिस भी सिटी में हैं नियरेस्ट सिटी का एक रेपूटेड जो भी कॉलेज है आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। वाई तो सर हमने कॉलेज की बात तो कर ली, तो MBBS की फीस क्या होती है? MBBS की फीस हर कॉलेज की अलग होती है, बट ग्रॉसली अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस, क्योंकि गवर्नमेंट कम सब्सिडाइज रेट होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगभग 1-2 हज़ार से लेके 20-25 हज़ार तक हो सकती है एक साल की, और 4 साल का कोर्स होता है 4.5 साल का। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वहीं 2-5 लाख से लेके 15-20 लाख एक साल की हो सकती है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो ये MBBS का जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितना लंबा होता है? MBBS का कंप्लीट कोर्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 4.5 साल की पढ़ाई होती है, हाँ जी, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जानकारी लेते हैं, आप अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग तरह की
बीमारियों को कैसे पहचानना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो सीखते हैं। और हॉस्पिटल में पूरा एक साल पूरी थोरो ट्रेनिंग लेते हैं। सर, ये इंटर्नशिप में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? जैसे कि एक बच्चा, एक अगर स्टूडेंट जो अभी जिसने अपना 4.5 साल का अभी खत्म किया है, वो क्या जब आप 4.5 साल का कोर्स होता है उसमें लगभग 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। वही जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसमें डिफरेंट ड्यूरेशन में उसके डिपार्टमेंट्स के अंडर में ट्रेनिंग ली जाती है। जैसे मेडिसिन के अंडर में, सर्जरी के अंडर में, गायनेकोलॉजी में, पीडियाट्रिक्स में, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस में पूरा एक साल तक आपको डिफरेंट पीरियड की ट्रेनिंग दी जाती है और वो कंप्लीट करने के बाद ही आप एक डॉक्टर बनते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर स्टूडेंट ने एमबीबीएस का पूरा कोर्स 5.5 साल का विद इंटर्नशिप खत्म कर दिया, इसके बाद अगर वो और पढ़ना चाहे, एडवांस पढ़ना चाहे, तो वो क्या क्या कर सकता है? जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस के, वही सब्जेक्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है। वो 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, एमडीए एमएस का। वो कोर्स आप किसी भी ब्रांच में, जो सर्जिकल ब्रांचेस है उसमें एमएस का कोर्स होता है, जो नॉन सर्जिकल ब्रांचेस है उसमें एमडी का कोर्स होता है। तो एक 3 साल का कोर्स होता है, वो उसके लिए एक और नेक्स्ट एग्जाम होती है। वो क्लियर करने के बाद आप 3 साल का स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं एमडी मेडिसिन जैसे फील्ड में, जनरल फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, या आप सर्जन बन सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, आई सर्जन, या ऑर्थोपेडिशियन बन सकते हैं, या आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या एमएस सर्जन, जनरल सर्जन। सर, जाते जाते लास्ट में मेरा एक से ये सवाल होगा कि जो दर्शक ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा ब्लॉग पढ़ेंगे, जिनको एमबीबीएस या जिनको डॉक्टर बनना है, उनके लिए आपकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन, आपका एक टिप जो इनसे उनको मदद मिले या जिनसे उनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता लगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक बहुत लंबा कोर्स है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मेहनत, लगन और समय, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। लगभग 6.5 से 6 साल का एक एमबीबीएस का कोर्स होता है। उसका एंट्रेंस पहले निकालना होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी एमडी एमएस का जो भी कोर्स करते हैं, तो ये लगभग 9-10 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप एक नॉर्मल इंसान से डॉक्टर बनते हैं। तो बहुत लंबा समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन लगती है। अगर आप के अंदर डेडिकेशन है कि आप चाहते हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहें, आप किसी की बीमारी पकड़ के ठीक करना चाहें, आप किसी भी इंसान को सही करने का चाहते हैं, के लिए अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम देना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में आए। इस फील्ड में बहुत सेटिस्फेक्शन है जो एक मरीज को ठीक करने का होता है। जो एक बीमार मरीज जब ठीक होकर घर जाता है हॉस्पिटल से, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या जब एक ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए जब एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा जब ठीक होके जाता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन उससे ज़्यादा उस चीज़ तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक लंबा समय देना, बहुत मेहनत के और लगन के साथ काम करना। तो अगर आप ये मेहनत लगन करने के लिए तैयार हैं तो फिर इस फील्ड में आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड सारी जानकारी और सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और डॉक्टर के प्रोफेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारा ब्लॉग डॉक्टर के ऊपर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जोश कोर्स, जो कि है आपके करियर का मंत्र।